साल 2014 की बात है, सरकार किसकी बनेगी और किसकी नहीं, इस सवाल के अलावा पूरे देश की नज़रें एक फर्जी एनकाउंटर के मामले की अदालती सुनवाई पर टिकी हुई थी। इस मामले की सुनवाई हो रही थी मुंबई स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में और जज थे जेटी उटपट। मामले की कई तारीखें पड़ी लेकिन आरोपी अमित शाह पेश नहीं हुए। इस पर जज ने अमित शाह के वकीलों को फटकार लगाई और कहा कि बिना किसी बहाने के अगली तारीख यानी 26 जून 2014 के दिन अमित शाह हर हाल में कोर्ट में पेश हों। जेटी उत्पट के इन तेवरों को देख कोर्ट में हड़कंप मच गया। इस मामले से जुड़े सभी लोग 26 जून का इंतजार करने लगे लेकिन 26 जून की तारीख से ठीक एक दिन पहले ही जज साहब का तबादला कर दिया गया। जज का तबादला सुप्रीम कोर्ट के उस एक आदेश का भी उल्लंघन था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ और सिर्फ एक जज ही करेगा। लेकिन बावजूद इसके अमित शाह से जुड़े इस केस की सुनवाई करने वाले जज का तबादला कर दिया गया। इसके बाद अगले जज आए जस्टिस ब्रजगोपाल हरिकिशन लोया यानी जस्टिस लोया। शुरुआत में जस्टिस लोया ने कोर्ट में अमित शाह के पेश न होने पर नरम रुख रखा लेकिन एक दिन हार कर उन्होंने भी अमित शाह के वकीलों को फटकार लगाई और कहा कि अमित शाह हर हाल में कोर्ट में पेश हों। लेकिन इसके बावजूद अमित शाह अगली तारीख पर कोर्ट में नहीं पहुंचते हैं। नाराज जज लोया ने 15 दिसंबर की तारीख रखते हुए आदेश दिया कि अमित शाह पेश हों लेकिन जज लोया की ज़िंदगी में वो 15 तारीख फिर कभी नहीं आई। इस तारीख के 15 दिन पहले ही यानी 1 दिसंबर 2014 के दिन अमित शाह के इस मामले की सुनवाई करने वाले जज लोया की रहस्यमय ढंग से कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इस बहुचर्चित केस का नाम था सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस। जज लोया की मौत के बारे में कहा गया कि नागपुर में एक शादी में भाग लेने गए जज लोया को हार्ट अटैक आ गया था जिससे कि उनकी जान चली गई। लेकिन क्या वाकई जज लोया की मौत हार्ट अटैक से हुई थी? इस हालत में उनके परिवार वालों को जज लोया का शव मिला, जिस तरह उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से छेड़छाड़ी की गई, जिस तरह उनके मोबाइल से कॉल और मैसेज डिलीट किए गए और जिस तरह का प्रलोभन और धमकियाँ उन्हें अमित शाह के केस में फेवरेबल जजमेंट देने के लिए दी जा रही थी, उससे इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि जज लोया की मौत एक प्राकृतिक मौत थी। इसलिए जज लोया की मौत से जुड़ी इस सीरीज में हम टटोलेंगे कि हु किल्ड जस्टिस लोया यानी जज लोया को किसने मारा। नमस्कार, मैं श्यामीरा सिंह। साल 2006 में गुजरात में हुए जिस सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले की सुनवाई पहले जज जेटी उत्पट कर रहे थे और बाद में जज लोया करने लग रहे थे, वो सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामला सिर्फ सोहराबुद्दीन की हत्या का मामला नहीं था। सोहराबुद्दीन तो दरअसल एक राजनीतिक खिलौना भर था जिसकी बंदूक से उसके मालिकों ने अपने ना जाने कितने प्रतिद्वंदियों को निपटाया था। सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले की जड़ें सोहराबुद्दीन सिन्हा शुरू होकर भाजपा नेता और गुजरात के गृह मंत्री रहे हरेन पांड्या की मौत से शुरू होती हैं। हरेन पांड्या भाजपा में होते हुए भी नरेंद्र मोदी के प्रतिद्वंदी थे। उन्होंने साल 2002 में हुए दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर भी गवाही दी थी कि गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी का हाथ था, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन इसके कुछ महीने बाद ही हरेन पांड्या की रहस्यमय ढंग से हत्या कर दी गई। हरेन पांड्या की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि सोहराबुद्दीन ने की थी, लेकिन कार्रवाई किसने थी ये अब तक का एक बड़ा रहस्य है। गुजरात दंगों में गवाही देने के कुछ महीने बाद ही सोहराबुद्दीन ने अपने साथी तुलसीराम प्रजापति के साथ मिलकर हरेन पांड्या को निपटा दिया था। बाद में फर्जी एनकाउंटरों के माध्यम से हरेन पांड्या की हत्या में शामिल सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति को भी गुजरात पुलिस ने निपटा दिया था। यहाँ तीन महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये कि सोहराबुद्दीन की हरेन पांड्या से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो आखिर उसने हरेन पांड्या की हत्या क्यों की और किसके कहने पर की? दूसरा सवाल ये कि आखिर सोहराबुद्दीन हरेन पांड्या की मौत से जुड़े कौन से राज जानता था जिसके कारण की फर्जी एनकाउंटर करके उसे और उसके साथ ही तुलसीराम प्रजापति दोनों को ही निपटा दिया गया। तीसरा सवाल सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले की सुनवाई करने वाले जज लोया की मौत का, कि क्या वाकई में जज लोया की मौत एक हार्ट अटैक से हुई थी या इसके पीछे भी कोई कहानी है। अगर इन कहानियों के तार पकड़ेंगे तो पाएंगे कि जज लोया की मौत सिर्फ एक जज की मौत तक सीमित नहीं थी बल्कि उनकी हत्या के तार उस अंतिम आदमी की गलेवान तक जाते हैं जिसने कि गुजरात दंगों में गवाही देने वाले हरेन पांड्या को मरवाया था।
और हरेन पांड्या की हत्या के लिए जिम्मेदार उस असली आदमी को बचाने के लिए एक हत्या के बाद दूसरी हत्या और दूसरी हत्या के बाद तीसरी हत्या की गई। जैसा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह कहती हैं कि हत्याओं का ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहा जब तक कि राजनेता, आम स्त्री पुरुष, गवाह और अंत में जज समेत सभी लोगों की मौत नहीं हो जाती। जज लोया की मौत को एक अकेली घटना के रूप में देखना उस पूरी कड़ी को नज़रअंदाज करने जैसा है, जिसमें सबसे पहले हरेन पांड्या की मौत होती है, फिर जिनसे उनकी हत्या करवाई गई उन तुलसीराम प्रजापति और सोहराबुद्दीन को भी फर्जी एनकाउंटर में मार दिया जाता है, फिर इस मामले में सुनवाई करने वाले जज का तबादला कर दिया जाता है और अंत में उस जज की भी रहस्यमय ढंग से मौत हो जाती है जिसने कि अमित शाह को अदालत में पेश होने का फरमान सुना दिया था और उसके ठीक एक महीने के अंदर ही अमित शाह को नए जज साहब के द्वारा बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। शुरू में जज लोया की मौत को प्राकृतिक मौत तो करार दे दिया गया, लेकिन जज लोया की मौत के बाद दो और मौत हुई, एक वकील श्रीकांत खंडालकर की और दूसरे रिटायर्ड जज प्रकाश फ्रोम्बे की। ये दोनों ही मृतक जज लोया के दोस्त थे और इन दोनों ही दोस्तों को जज लोया ने अमित शाह के केस से जुड़ा एक बड़ा राज बताया था। ये बड़ा राज क्या था जिसे जज लोया की मौत के बाद छुपाने के लिए इन दोनों लोगों को धमकियां दी जा रही थी और अंत में इन दोनों ही लोगों की रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। जज लोया की मौत पर गहरे से पड़ताल करने से पहले और इस राज से पर्दा उठाने से पहले जज लोया के परिवार ने जो गंभीर आरोप लगाए उनको जानना जरूरी है। जज लोया की मौत के बाद एक जज का परिवार इतना सहम गया कि उन्होंने अगले 3 साल तक मीडिया में कोई बात नहीं की, लेकिन लोया का परिवार उनकी मौत के किन रहस्यों को जानता है ये पहली बार तब बाहर आया जब देश के जाने माने इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार निरंजन टाकले ने नवंबर 2017 में अपनी पहली स्टोरी ब्रेक की। कारवान मैगजीन पर छपी इस स्टोरी में निरंजन टाकले ने उन रहस्यों का खुलासा किया कि पूरे देश में हड़कंप मच गया। इस स्टोरी के लिए निरंजन टाकले ने साल भर के करीब ग्राउंड रिपोर्ट पर काम किया, लोया के परिवार से बातचीत की, उनकी बहन से बातचीत की, उनके पिता से बात की। जज लोया की एक बहन अनुराधा बियाड़ी ने खुलासा किया कि अमित शाह से जुड़े इस मामले में अमित शाह के फेवर में फैसला सुनाने के लिए बम्बई हाई कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह ने लोया को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की थी और साथ ही बम्बई में घर देने का प्रलोभन दिया था। जज लोया की बहन अनुराधा बियानी ने आगे बताया कि जिन दिनों जज लोया इस मामले की सुनवाई कर रहे थे तभी उनका परिवार गाटे गांव में स्थित अपने पैतृक निवास पर दिवाली मनाने के लिए इकट्ठा हुआ था। उसी वक्त लोया ने अपने परिवार के सामने ये बात बताई थी और साथ ही ये भी बताया था कि इस मामले में अमित शाह के फेवर में फैसला देने के लिए उन पर कितना दबाव था। लोया की बहन अनुराधा बियानी के मुताबिक बम्बई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहित शाह देर रात उन्हें फ़ोन करके साधारण कपड़ों में मिलने के लिए कहते थे और उनके ऊपर जल्द से जल्द फैसला देने का दबाव बनाते थे और यह सुनिश्चित करने को कहते थे कि फैसला अमित शाह के फेवर में हो। जज मोहित शाह द्वारा जज लोया को दी जाने वाली रिश्वत की पेशकश वाली सेम बात जज लोया के पिता हरिकिशन ने कही। उन्होंने कहा उनके बेटे को पैसे की पेशकश की जा रही थी और पूछा जाता था कि क्या आपको मुंबई में मकान चाहिए, कितनी ज़मीन चाहिए। वह हमें ये सब बताता था और बाकायदा उसे एक ऑफर था, लेकिन उनके बेटे ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने मुझे बताया कि मैं तबादला ले लूँगा या इस्तीफा दे दूँगा, मैं गाँव जाकर खेती करूँगा लेकिन गलत जजमेंट नहीं दूँगा। कारवां की इस रिपोर्ट में जज लोया की भतीजे ने भी एक बयान दिया है। उनके अनुसार वे जब कोर्ट से घर आते थे तो कहते थे बहुत टेंशन है, तनाव काफ़ी था, यह मुकदमा बहुत बड़ा था, इससे कैसे निपटें, हर कोई इसमें शामिल है। जज लोया की बहन के अनुसार चीफ जस्टिस मोहित शाह जज लोया से कहते थे कि यदि अमित शाह के फेवर में दिया ये फैसला 30 दिसंबर से पहले आ गया तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि उसी के आसपास एक धमाकेदार स्टोरी आने वाली है जो लोगों का ध्यान इससे हटा देगी। जज लोया ने दबाव और प्रलोभन में आने से इनकार कर दिया था और इस मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 15 दिसंबर रख दी थी, लेकिन 15 दिसंबर से पहले ही यानी 1 दिसंबर की रात जज लोया की रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। जज लोया की मौत के बाद अमित शाह के केस में जस्टिस MB गोसावी को जज बनाया गया।
एमबी गोसावी ने 15 दिसंबर 2014 को सुनवाई शुरू कर दी और 3 दिन तक उन्होंने सिर्फ अमित शाह को बरी करने की मांग करने वाले यानी कि डिफेंस के वकीलों की दलीलें सुनी, जबकि उनके खिलाफ मुकदमा लड़ रही सीबीआई की दलीलों को मात्र 15 मिनट सुना। 15 दिसंबर को शुरू हुई सुनवाई को 3 दिन में ही 17 दिसंबर को पूरा कर लिया गया और आदेश सुरक्षित रख लिया गया। 17 दिसंबर को सुरक्षित रखे इस आदेश को 30 दिसंबर 2014 के दिन सुनाते हुए अमित शाह को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जिस केस में सालों से सुनवाई चल रही थी और जिस केस में 10,000 से अधिक पन्नों की केवल चार्जशीट थी, ये विचार करने की बात है कि जज लोया की जगह आए नए जज ने कैसे इतने कम समय में इतनी बड़ी चार्जशीट को पढ़ लिया होगा। और नए जज ने साल 2005 से 2014 तक चल रहे इस मामले को 3 दिन की मामूली सी सुनवाई में कैसे निपटा दिया और फैसला सुनाने की तारीख भी वही 30 दिसंबर को रखा, जिस दिन की बात जज लोया का परिवार कर रहा था कि मोहित शाह जज लोया से कहते थे कि अगर वे अमित शाह के फेवर में फैसला सुना देंगे तो 30 दिसंबर के दिन कोई धमाकेदार स्टोरी होगी जिससे कि लोगों का ध्यान इस फैसले से हटकर उस खबर पर चल जाएगा। नए जज ने जज लोया की मौत के 1 महीने के भीतर ही अमित शाह को रिहा कर दिया। इधर अमित शाह रिहा होते हैं और उधर देश में खबर आती है कि MS धोनी ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास। अमित शाह की खबर टिकर पर आई, छोटी सी खबर आई कि अमित शाह निर्दोष और पूरी टीवी स्क्रीन पर छा गए MS धोनी और उनके रिटायरमेंट का फैसला। नागपुर में जब जज लोया की रहस्यमय ढंग से मौत हो गई तो उनके परिवार को बताया गया कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन जब जज लोया का शव नागपुर से लातूर स्थित उनके पैतृक गांव गाटे गांव लाया गया तो जिन परिस्थितियों में शव था उससे हार्ट अटैक वाली बात पर शक होता है। जज लोया की बहन अनुराधा बियानी के अनुसार जज लोया का शव रात 11:30 बजे के आसपास वहां लाया गया था, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि नागपुर से लाई गई लाश के साथ जज लोया का कोई भी कलीग या उनका दोस्त उनके साथ नहीं था, केवल एम्बुलेंस का ड्राइवर था। ये चौंकाने वाली बात थी कि जिन दो जजों के आग्रह पर वे शादी में भाग लेने के लिए नागपुर गए थे उनमें से कोई भी उनके साथ नहीं था और जिन जज बोर्डे ने उनको खबर दी थी, परिवार को खबर दी थी, वो भी उनकी लाश के साथ नहीं था। ये सारी बातें जज लोया की बहन अनुराधा बियानी ने अपनी डायरी में लिखी हुई हैं। इस डायरी में अनुराधा बियानी ने एक चौंकाने वाला ये तथ्य भी लिखा है कि लोया के कॉलर पर खून का धब्बा था, उनकी बेल्ट उल्टी दिशा में मुड़ी हुई थी, पैंट की क्लिप टूटी हुई थी। मेरे चाचा यानी जज लोया के चाचा को भी महसूस हुआ था कि कुछ संदिग्ध हैं। और यही सेम बात जज लोया के पिता ने भी कही कि जज लोया के कपड़ों पर खून के दाग थे। जज लोया की दूसरी बहन सरता मांधा ने, जो औरंगाबाद में ट्यूशन सेंटर चलाती हैं, उनका भी सेम कहना है कि जज लोया के सर पर चोट थी और गर्दन पर खून के धब्बे थे, शर्ट पर खून के निशान थे। जज लोया के कपड़ों पर खून के धब्बों के बयान हार्ट अटैक से हुई मौत पर सवाल खड़े करते हैं। कारवा मैगजीन के लिए लिखी निरंजन टाकले की इस रिपोर्ट के बाद देशभर की राजनीति में हंगामा मच गया। राहुल गांधी के नेतृत्व में 100 से अधिक सांसद राष्ट्रपति कोविंद से मिले। दिल्ली में भी वकीलों ने प्रदर्शन किए और न्याय की मांग की। कई याचिकाएं अदालत में डाली गईं। एक याचिका सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी CPIL की तरफ से डाली गई। CPIL की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने 2 रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। उन्होंने अदालत से कहा कि उनके पास 2 रिपोर्ट हैं जिन्हें सरकार ने अपनी रिपोर्ट में शामिल नहीं किया, क्योंकि ये 2 रिपोर्ट उस बात को खारिज कर देती हैं कि जज लोया की मौत किसी हार्ट अटैक से हुई थी। चूंकि महाराष्ट्र की भाजपा सरकार इसे हार्ट अटैक की तरह पेश करना चाहती थी, इसलिए इन 2 रिपोर्ट को अदालत के सामने पेश नहीं किया गया था। ये 2 रिपोर्ट थी हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट, दूसरी थी ECG रिपोर्ट। दरअसल पोस्टमार्टम के अलावा डॉक्टरों द्वारा मृतक के शरीर के अलग अलग अंगों से टिश्यूज यानी ऊतक निकाल लिए जाते हैं, जिन्हें अलग से फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है, जिससे कि मौत के असली कारण का पता लगाने में मदद मिलती है। इसे हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट कहते हैं। हिंदी में इसे विसरा रिपोर्ट कहा जाता है, जिसमें कि माइक्रोस्कोप से शरीर की सभी कोशिकाओं का परीक्षण किया जाता है, केमिकल एनालिसिस की जाती है और मौत के असली कारणों का पता लगाया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने जो अपनी कथित जांच की थी और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी, उसमें इस रिपोर्ट को छुपा लिया गया था,
कारवा मैगजीन ने इस रिपोर्ट पर एक विस्तृत स्टोरी पब्लिश की थी, जिसमें उसने आरटीआई से प्राप्त हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट को लेकर दिल्ली के एम्स अस्पताल के फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग के हेड रहे डॉक्टर आर के शर्मा से बात की। आर के शर्मा फॉरेंसिक रिपोर्ट के मामले में देश के सबसे अधिक अनुभव रखने वाले एक्सपर्ट्स में से एक हैं। कारवा मैगजीन के अनुसार डॉक्टर आर के शर्मा ने जज लोया की हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट की जांच करने के बाद कहा कि कहीं से भी ये मामला हार्ट अटैक का मालूम नहीं पड़ता। उनके अनुसार ये कागजात दिखाते हैं कि जज लोया के मस्तिष्क को संभवतः कोई आघात पहुँचा था और ये भी मुमकिन है कि उन्हें जहर दिया गया हो। डॉक्टर आर के शर्मा के अनुसार हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में मायोकार्डियल इन्फॉर्केशन का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। इस रिपोर्ट के नतीजे दिल के दौरे की ओर इशारा नहीं करते। इसमें बदलाव दर्शाए गए हैं, लेकिन ये दिल के दौरे से नहीं जुड़ा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह भी कहती है कि उनकी धमनियों में कैल्सीकरण दिखाई दे रहा है। जहाँ कैल्सीकरण होता है वहाँ दिल का दौरा नहीं हो सकता। साफ है फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर आर के शर्मा का मत सरकार के उस दावे को खारिज करता है, जिसमें सरकार कहती है कि जज लोया की मौत दिल के दौरे से हुई। इसी रिपोर्ट को वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट में पेश किया। इसके अलावा प्रशांत भूषण ने दूसरी रिपोर्ट यानी कि ECG की रिपोर्ट को पेश किया, जिसे सरकार ने अपनी रिपोर्ट सौंपते समय अदालत में पेश नहीं किया था। दरअसल हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षणों में जैसे कि सीने में जलन होना, सांस लेने में तकलीफ होना, नसों में कोई ब्लॉकेज होना, तो उसमें सबसे पहले मरीज का ECG टेस्ट ही किया जाता है। दरअसल जज लोया के मामले में ECG टेस्ट की भी अपनी एक कहानी है। सरकार का कहना है कि नागपुर के डांडे अस्पताल में जहाँ जज लोया को सबसे पहले ले जाया गया था, वहाँ जज लोया का सबसे पहले ECG कराया गया था। लेकिन कारवा मैगजीन का कहना है कि ECG कराया ही नहीं गया था। इस कथित ECG की रिपोर्ट को कई मीडिया संस्थानों में प्रकाशित किया गया था। माना जाता है कि इस कथित ECG रिपोर्ट को सरकार के द्वारा प्लांट किया गया था ताकि कारवा मैगजीन की रिपोर्ट को गलत ठहराया जा सके, जो कि कह रही थी कि ECG नहीं कराया गया। लेकिन कमाल की बात है कि जब लोया मामले की जांच रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की तो इस ECG रिपोर्ट को पेश नहीं किया गया। लेकिन प्रशांत भूषण ने इस रिपोर्ट को अदालत के सामने रखा और कहा कि मैंने इस कथित ECG रिपोर्ट को ढेर सारे हृदय रोग विशेषज्ञों को दिखाया, एक प्रमुख हृदय रोग विशेषज्ञ यानी कि डॉक्टर उपेंद्र कौल को भी दिखाया, उनकी राय ली गई। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार से हार्ट अटैक के लक्षण नज़र नहीं आते। प्रशांत भूषण ने अदालत में तर्क रखा कि अगर यही ECG रिपोर्ट है तो ये मौत के पीछे दिल के दौरे की बात को खारिज करती है, और अगर ये जज लोया की ECG रिपोर्ट नहीं है और किसी और की ECG रिपोर्ट है और इसे प्लांट किया गया है तो ये गंभीर सवाल खड़ा करती है कि आखिर किसने फर्जी तरीके से ये ECG रिपोर्ट बनाई और क्यों बनाई और किसने इसे इंडियन एक्सप्रेस में छपवाया। दरअसल कारवा मैगजीन की रिपोर्ट छपने के बाद जज लोया की मौत के पीछे का इशारा कहीं ना कहीं अमित शाह की तरफ जा रहा था। जज लोया की मौत पर आई इस रिपोर्ट के बाद सरकार दबाव में आ गई। इसके बाद PM सतर्क हो गया। कारवा मैगजीन की एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल को ये काम दिया गया कि ये स्टोरी किसी भी TV चैनल पर छपने ना पाए। इसके लिए बाकायदा TV मालिकों को कॉल किए गए। जब कारवा मैगजीन ने जज लोया पर की अपनी स्टोरी का दूसरा पार्ट अगले दिन पब्लिश कर दिया और जज लोया के परिवार के बयानों की वीडियो भी जारी कर दी तो पीयूष गोयल परेशान हो गए। सरकार की तरफ से काउंटर करने के लिए विकल्प तलाशे जाने लगे। इसके बाद अमित शाह, अरुण जेटली, देवेंद्र फडणवीस और पीयूष गोयल को मिलाकर 4 सदस्यों की टीम गठित की गई और इसी कड़ी में एक ECG रिपोर्ट प्लांट की गई ताकि कारवा मैगजीन को झूठा ठहराया जा सके, जो कि कह रही थी कि ECG रिपोर्ट हुई नहीं थी। लेकिन सरकार द्वारा प्लांट की गई इस फर्जी ECG रिपोर्ट में एक चूक हो गई, जिसे कि अलग अलग अखबारों के द्वारा प्रकाशित किया गया था। वो चूक क्या थी जिसने कि ECG की इस फर्जी रिपोर्ट का भांडा फोड़ दिया, इस पर अगले एपिसोड में बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि जज लोया की मौत का असली कारण क्या था और उस कारण का राज जानने वाले उनके दोस्त वकील श्रीकांत खंडालकर और रिटायर्ड जज प्रकाश थ्रोम्बे की भी बात करेंगे कि जिनकी की जज लोया की ही तरह रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई थी। एक की मौत को आत्महत्या बता दिया गया था
और एक की मौत को दुर्घटना। लेकिन वो राज आज तक बाहर नहीं आने दिया गया जिस राज ने जज लोया, वकील श्रीकांत खंडालकर और रिटायर्ड जज प्रकाश थ्रुम्बे की जान ले ली। ये राज था एक ड्राफ्ट जजमेंट का, जिसमें जज लोया को कहा गया था कि ये जजमेंट है, इस पर सिर्फ साइन करने हैं और अमुक तारीख को फैसला सुनाना है। ये बना बनाया जजमेंट जज लोया को किसने दिया था, इस ड्राफ्ट जजमेंट की पूरी कहानी क्या है, इसे जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक बने रहिए। नमस्कार।